आपकी होस्ट आलिया और हमें आज ज्वाइन करें हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब हामिद बाशानी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। सर जो खबरें हैं, कई तरह की खबरें चल रही हैं, यानी एक ही तरह की हैं लेकिन कई खबरें चल रही हैं, और वो इकोनॉमी पे बहुत बात हो रही है, और दो तीन जो बड़े एक फैक्टर्स कहे जा रहे हैं। एक तो ये कि शेल जो है उसने यहाँ से ये अब फैसला कर लिया है कि वो मूविंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, तो स्टॉक एक्सचेंज में से अपने सारे जो उसके हैं स्टॉक्स और वो सब खबर आ गई है। अच्छा, अब उसी के साथ आपको पता है कि यहाँ पर रशियन ऑयल पहुंचा है, तो उसके ऊपर अब कुछ बातें ये भी की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे इस तरीके से चल रहा है कि जनाब ये जो ऑयल है ये पहले इंडिया पहुंचा है और फिर इंडिया से जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है, वहां पर इसकी सफाई हुई है, या काफी इसकी डिटेल्स उसके बीच में आ रही हैं। अब पाकिस्तान के मीडिया में तो ऑब्वियसली इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं तो बाकी भी जो तिजारत हो रही है हमारी, तो वो क्या होता है कि जी इंडिया से और दुबई और दुबई से फिर पाकिस्तान, तो इसमें भी हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन दरपेश हो। तो एक तो ये बात कि क्या हमारे अंदर मतलब इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि अगर हमारे हमसाया में कहीं पर तेल मौजूद है तो हम उसी से डायरेक्ट मंगवा लें, लेकिन वो हमारे वो खत्म होने में नहीं आ रहा। और दूसरी ये भी बात कि एक जो बांग्लादेश है उसने भी सरपास कर दिया है अपना, उसका जो बजट कहा जा रहा है 71 बिलियन डॉलर्स, और इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो 3.5% पे पहुंच चुकी है जबकि उनकी 7.5%। तो सर इसके अंदर ये भी एक बात है कि हमेशा तो ये कहा करते थे कि इंडिया से कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो अब बांग्लादेश से भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। देखें जी, ये सारी खबरें जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, और इनका जो नुक्ताए मास्का जिसको कहते हैं आप, फोकस जो फोकल पॉइंट है वो एक ही है, और वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एज वी स्पीक एक बहुत बड़ा जो है वो डिज़ास्टर का शिकार है। और इसमें ये हैरत की बात है कि इन हालात में कोई पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसे मुल्क के साथ कंपेयर करे। बात ये नहीं होती कि बड़ी या छोटी इकोनॉमी की, जाहिर है हर मुल्क का अपना एक साइज होता है, अपनी ज़रूरियात होती हैं और उनके अपने जो है वो एक पैरामीटर्स होते हैं चीज़ों को वो करने के। लेकिन ये है कि बांग्लादेश जो है एक प्रामिसिंग किस्म की इकोनॉमी है, कम अज़ कम साउथ एशिया में और एशिया में एक उभरती हुई इकानमी जो गुज़श्ता कई सालों से, मोर देन ए डेकेड, वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं हर एक चीज़ में, जिसमें के उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हों या एक्सपोर्ट, और इन चीज़ों का ज़ाहिर है आपस में एक बड़ा ताल्लुक होता है कि आपके एक्सपोर्ट जितने ज़्यादा होते हैं उसी हिसाब से आपका ज़र मुबादला पे भी असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी इसी तरह जो है आपस में जुड़ी होती हैं। तो उस हवाले से बांग्लादेश जो है ना, फॉर नाउ एक लेवल पे एक सक्सेस स्टोरी है, पाकिस्तान इज अ स्टोरी ऑफ फेलियर। एक ऐसा मुल्क है जिसको अपनी एग्जिस्टेंस का जो है वो क्वेश्चन मार्क दरपेश है। एक ऐसे मौके पे जब हम बात कर रहे हैं तो आपका वजीर खजाना कहता है कि हमारे आईएमएफ के साथ, एक सांस में वो कहता है कि हमारे आईएमएफ के साथ तमाम मामला तय हो चुके हैं, और ये है कि आईएमएफ के साथ मामला तय किए बगैर हम जो फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट नहीं कर सकते। और वो फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस में सबसे जो अवामी सतह पे समझ में आने वाली ऑब्लिगेशंस हैं वो 24-25 बिलियन डॉलर का कर्ज़ा है जो नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में पाकिस्तान को पे करना है, जिस पे इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक माहरीन हैं वो इस पे इत्तफाक करते हैं कि ये किसी इस तरह के प्रोग्राम के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके जो मुतबादल तरीके हैं वो पहले से पाकिस्तान कई दफ़ा अप्लाई कर चुका है, मसलन री स्ट्रक्चरिंग होती है कर्ज़ों की कि आपने एक साल में पे करना है तो 3 साल कर लें, उसकी टाइम बढ़ा दें, उसके इंटरेस्ट रेट में कोई ऐसी चीज़ कर दें, रीफाइनेंसिंग कर दें। लेकिन अल्टीमेटली जाके तो बात वहीं पे ठहरती है कि कर्जों को पे करने का वाहिद तरीका ये होता है कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हो, जो कि है नहीं। और ये दुनिया का वाहिद एक इकोनॉमिक मिरेकल आप कह सकते हैं
पे चल रहा है पाकिस्तान के, जिसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं लेकिन वो कर्जे लेके कर्जे अदा करने के माहिर तरीन मुल्कों में शुमार हो गया है। और तो खैर कोई मुल्क इस मामले में सोच भी नहीं सकता कि कंपटीशन में भी आए, क्योंकि गुज़श्ता 20-30 सालों से पाकिस्तान का ये एक्सपर्टीज डिवेलप हो गई है कि कर्जे लेके कैसे कर्जे अदा करने हैं, कर्जे लेके कैसे अयाशियाँ करनी हैं, कर्जे लेके तो कैसे अपना जो है वो प्रिविलेज्ड और जो मराहत याफ्ता तबकात हैं उनकी मराहत को बरकरार रखना है, तो उसमें तो कोई है ही नहीं। लेकिन बात यह है कि जब आपका वजीर खजाना एक तरफ ये कहता है, दूसरी तरफ जो है IMF ये कहता है कि हमारे मामला तय नहीं है, उसकी वजह यह है कि आपने अभी अभी जो बजट पेश किया है इस पे हमें एतराज़ है, और उस पे उनको वही एतराज़ है जो पाकिस्तान, ये पहली दफ़ा हो रहा है हिस्ट्री में कि कभी कभी लगता है कि IMF जो है वो पाकिस्तान के रियल मसाइल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि IMF बुनियादी तौर पे उसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एक जो है वो इम्पीरियलिस्टिक एक इदारा कहते हैं जो दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो बात वो कहते हैं कि आप मराहत याफ्ता तबकात पे आपने टैक्स नहीं लगाए बल्कि आपने उनको टैक्स की छूट दे दी। जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जाहिर है किसी के पास पैसा होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा ना, तो उस पे आपने कितने टैक्स लगाए या उसको कितनी छूट दे दी, उसके बजाय आपने जो है वो ऐसे गरीब तबकात जो हैं उनके लिए बजट में क्या मराहत रखी है। सरकारी मुलाजमीन पाकिस्तान में, सरकारी मुलाजमीन ऑलरेडी एक प्रिविलेज क्लास है, ये मैं आपको बता दूँ, उनको ही आप तनख्वाह बढ़ाएं या कम करें लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान की गिवन सिचुएशन में जाहिर है उनके जॉब्स की जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो जाहिर है आप प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने रख के तो IMF ने जो एतराज़ उठाए हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है किसी भी तरीके से, ना उनके पास कोई प्लान है, और जाहिर है कि इस सूरत में जो है वो ये मामला तय नहीं हो सकता। जब ये बात डिस्कस होती है इसी वक्त जब आप इसको बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं, तो मूडीज़ जो है एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, एक क्रेडिट ब्यूरो समझ लें उसको आप, वॉच डॉग जो है वो देखता है दुनिया में कि क्या हो रहा है इकोनॉमी के हवाले से। उसने ये कतई तौर पे क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, और अगर IMF के साथ मामला तय नहीं होते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जिसका दूसरा मतलब ये है कि इस वक्त आपकी जो जो है ना वो कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत का जो दारमदार है वो IMF के एक डायरेक्टर की हाँ या ना पे है कि आप उसको मुतमईन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ आपका वज़ीर ख़ज़ाना ये भी कहता है उसी सांस में कि नहीं जी हमें IMF की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बगैर हमारे पास बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं और हमने सब बंदोबस्त कर रखा है। अब वो बंदोबस्त कहाँ कर रखा है कि पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेट के घर से पता नहीं कितने अरब रुपए की बोरियां निकली थी, तो इस तरह का कोई अगर बंदोबस्त कर रखा हो इस हुकूमत ने कि कहीं तय खानों में बोरियां भर के रखी हूँ पैसों की, लेकिन जो डिक्लेयर्ड इकोनॉमी है सरफेस पे जो चल रही है वो तो ये साबित कर रही है कि आप जो है वो बड़ी तेजी से डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अच्छा इन हालात में सर, अगर आप इजाजत दें, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाए उसको भी शामिल करते हैं क्योंकि वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। सर, उन्होंने ये कहा है कि जियोपॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, हम IMF की हर बात नहीं मान सकते, हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है। और हमारी यानी उनका कहने का मकसद ये कि हमारे खिलाफ जो है ये कोई चाल चली जा रही है या जियोपॉलिटिक्स में कोई खेल खेला जा रहा है। और सर, खास तौर पर ये बात कि हम IMF की सारी बातें नहीं मान सकते, जबकि इससे पहले आपको पता है ये कहा जाता रहा कि सारी बातें हमने और क्या करें, और वाकई हमने देखा कि काफी बातें उनकी मैक्सिमम मानी गई। तो उनका फिर ये कहना, आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन, कोई खतरनाक ऐसी बात है, वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर किसी चीज का प्रेशर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हम सारी बातें नहीं मान सकते और इसलिए इससे तो ये लगता है कि डिफॉल्ट हो भी जाए लेकिन हम सारी बातें नहीं मान सकते। देखें जी, पहली बात ये है कि ये वजीर खजाना खुद और फॉर दैट पर्पज़ कहीं और मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन और प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह चुके हैं कि हम IMF की सारी शरायत मान चुके हैं। स्टेटमेंट पे ही आप जाते हैं ना, तो फिर उनकी ये स्टेटमेंट्स भी तो सामने रखें
कि जिसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि हम IMF की सारी शराइत जो है वो मान चुके हैं। अब इसमें सवाल ये है कि ये जो डबल स्पीक है, ये जो हिपोक्रिटिकल किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, अवाम की आंखों में जो डोल झोंकी जा रही है, उनको जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसमें ये रिपीटेडली दोनों स्टेटमेंट्स दोहरा रहे हैं। एक ये कि हम IMF की तमाम शराइत मान चुके हैं, उनकी मंजूरी से हमने बजट पेश किया है, उनके साथ हमारा किसी चीज़ पे अब जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, अब ये क्वेश्चन ऑफ टाइम है जब हम जो है वो एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। तो फिर दूसरे दिन वो कहते हैं ये जो अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, जिसका मतलब ये है कि उनको जब ये पता होता है कि ये जो झूठ हमने बोला है ये मुमकिन है आगे ना बढ़े, हमने सारी शराइत नहीं मानी है, सब्सिडीज के इशू पे हमारा जो है वो सख्त किस्म का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है IMF के साथ, टैक्सेशन के इश्यूज पे जो सबसे बड़ा इशू होता है, असल मसला यही है जो टैक्स का इशू है, चूंकि टैक्स IMF ने इनको कहा कि आप अपने दौलतमंद तबके पे लगाएं, जिनके पास बेतहाशा दौलत है और उनसे पैसे जमा करके तो आप अपने मुल्क में ये जो गुरबत है इसके खात्मे के लिए जो है वो पैसे लगाएं। ये उसका उलट कर रहे हैं कि ये गरीब को पिस रहे हैं, उसकी जो सब्सिडीज हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, मसलन आटे पे, चीनी पे, इस तरह की चीज़ों पे, और जो आपकी दौलतमंद तबकात हैं उनको ये टैक्स छूट दे रहे हैं, जो कि रिवर्स है IMF का। और उसकी वजह ये है कि ये उन्हीं तबकात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वक्त जो आपके हुकूमत है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक ख़ास बिजनेस और एक वेल्थी क्लास को, और जाहिर है कि वो खुद अपने खिलाफ इस तरह का कानून नहीं बना सकते। तो इसको आप जाके अगर कंपेयर करें जो है वो बांग्लादेश के साथ या किसी और मुल्क के साथ, एक ऐसे मुल्क को जो मौत और अयाद की कशमकश में मुबतला है, दूसरे अल्फाज में ऑक्सीजन टेंट में पड़ा हुआ है, तो उसको आप किस तरह जो है वो एक ऐसे मुल्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसके बजट का हजम, उसकी एक्सपोर्ट का हजम और उसकी जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे दुगनी तिगनी। ठीक, तो सर इसमें ये बात क्या हमें इग्नोर कर देनी चाहिए कि अगर जब वो ये कह रहे हैं कि जो एक तो ये कि मुखालिफ बैरूनी कुवतें चाहती हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम IMF की हर बात नहीं मान सकते, तो इसमें लगता है कि जैसे यानी जो हम जो बात कर रहे हैं कि इसमें इकोनॉमी की सिचुएशन दरपेश नहीं है टैक्सेस लगाने के लिए, वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें जब आप खुद मुख्तारी की बात ले आते हैं तो लगता है कि शायद इसमें किसी के और मकासद हैं और हमसे कुछ और कहा गया है। क्या आप ऐसे इसको देख रहे हैं या समझ रहे हैं इस बात से, वरना इसको इग्नोर कर दें, या क्योंकि एक आध दफा पहले बात हुई, आपको पता है ये फाइनेंस मिनिस्टर ने सेनेट में खड़े होकर कहा था कि हमारे जो असासे हैं उनकी बात हो रही है या हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे और इस तरह की चीजें, तो खुद मुख्तारी की जो ये बात की गई ये तो इकोनॉमी से मतलब रिलेटेड नहीं है, तो क्या इस तरह का भी कोई खतरा है, कोई ऐसी भी कोई डिमांड की जा रही है? देखें जी, पहली बात यह है कि ये जो मिथ है, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस के पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, ये बिल्कुल जो है वो गलत किस्म का एक ख्याल है, एक तसव्वुर है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली एक डिपेंडेंट मुल्क रहा है हिस्ट्री के पूरे दौर में, अपनी पूरी 70 साल तारीख में। अपने पहले जो है वो 40-50 साल तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्लाइंट स्टेट के तौर पे सरवाइव किया है, जहां उनकी लाइफ लाइन, उनकी इकोनॉमी और उनकी इवन जो वजूद है, जो एग्जिस्टेंस है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे डिपेंड करता था, जिसके सबूत के तौर पे आपके सारी जो है वो हिस्ट्री मौजूद है, जितने आपके यूनाइटेड स्टेट के साथ मायदे थे और उसके जवाब में जो आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इमदाद ली दुनिया में, इसराइल और मिस्र के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है जिसने अमेरिका से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो डॉलर लिए। तो जब आप एक दुनिया के एक ऐसे मुल्क को जो दुनिया को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेट करता है और उसको डिक्टेट करता है, आप उसकी क्लाइंट स्टेट हैं और आप उसके पहले तीन जो है उन क्लाइंट्स में शामिल हैं जिनको वो सबसे ज़्यादा पैसे अपने ख़जाने से निकाल के देता है,
तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, या आपका कोई डिसीजन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने मुल्क के हवाले से खुद मुख्तारी पे बेस करता है। बिल्कुल इसी तरह गुज़श्ता 10 साल से चलें, वो पुरानी हिस्ट्री हम नहीं दोहराते, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, क्या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, जब दुनिया भर के जो रिसर्चर हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो ये साबित करते हैं कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो चीन के अंडर इन्फ्लुएंस जो मुल्क है नंबर वन, वो पाकिस्तान है। यानी आप कोल्ड वार के दौरान पूरी निसब सदी तक दुनिया के सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट जो 3 मुल्क थे इकानोमी के हवाले से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उसमें शामिल थे, तो आप ये साथ में क्लेम करते रहे इंडिपेंडेंस, और आप किताबें लिखते रहे इंडिपेंडेंस पे और मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस पे कि आप खुद मुख्तार मुल्क हैं। तो उसके बाद जब ये कोल्ड वार ख़त्म हुई, एक नई शक्ल शुरू हुई उसकी, तो आप चीन के इन्फ्लुएंस में दुनिया में नंबर वन है। यानी आपने इवन जो है वो कंबोडिया और सिंगापुर को भी पीछे छोड़ दिया, और आप 100% जो है वो चीन पे डिपेंड करते हैं इकोनॉमी के हवाले से, इकोनॉमिक सपोर्ट के हवाले से। जैसा कि अभी आपने देखा IMF के साथ डीलिंग के दौरान जो चीन ने आपको जो है वो लैंडिंग करने की कोशिश की, टेक्नोलॉजी के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। तो ये जो है रूस से तेल लेने की वजह से, अगर आपको गलतफहमी हो गई हो कि रूस से तेल लेके तो कोई मुल्क इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत किस्म की एक इंतहाई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तेल बुनियादी तौर पे जो है एक प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में जिसकी तजारत हो रही है, उसके साथ जो है वो कहीं मुल्क और लोग और कंपनियां और इदारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं उसमें। अब इस वक्त ये हालात पैदा हो गए हैं कि यूक्रेन के साथ वार में होने के बावजूद रूसी तेल जो है वो यूरोप में इस्तेमाल हो रहा है, और यूरोप जो है वो नेटो के फोल्ड में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे नंबर वन अलाई है, इसके बावजूद वहाँ पे वो तेल यूज़ हो रहा है। तो यूरोप अगर ये क्लेम करना शुरू हो जाए कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारा नेटो से या यूनाइटेड स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं चूँकि हम रूसी तेल ले रहे हैं, तो ये तो कोई बात ना हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मगालता जो है, मिथ जो है, ये पाकिस्तानी लोगों को निकालनी पड़ेगी कि हम कोई इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। पहले आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कॉलोनी रहे हैं, क्लाइंट स्टेट रहे हैं, अब आप चीन की मकम्मल तौर पर कॉलोनियलाइज्ड किस्म की कॉलोनियल जो है वो क्लाइंट स्टेट है, और उसमें आप उस पर डिपेंडेंट हैं। आप कोई इंटरनेशनल डिसीजन या रीजनल डिसीजन जिसके कोई रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस हों, वो आप जो है वो चीन की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, और यही बात आपकी इकोनॉमी के साथ भी है। तो ये मैंने, आपने जो 2 स्टेटमेंटें पहले हमने डिस्कस की जो कंट्राडिक्टोरी हैं और एक दूसरे के से तजादात हैं जिसके, और ये तीसरी स्टेटमेंट आ गई कि लें जी हम इंडिपेंडेंट मुल्क हैं। भाई आप इंडिपेंडेंट मुल्क हैं तो घर बैठे रहें, जिस दिन जाके आप IMF का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमें पैसे चाहिए, तो उस दिन से फिर आपको IMF की शरायत माननी पड़ेंगी। IMF जो है वो मुल्कों को उनकी शरायत पे कर्जे नहीं देता, अपनी शरायत पे कर्जे देता है। सर वो तो ठीक है, सर वो तो ठीक है, लेकिन ये जो पहले कुछ बातें ऐसी भी होती रही है ना कि जी कहीं एटमी असासों पे तो नजर नहीं है, उनके हवाले से कोई सवाल तो नहीं उठ गया, ये इस तरह की चीजें, अगर इस तरह की कोई डिमांड है या प्रेशर्स हैं तो क्या उसको तो जाहिर है कि फिर तो यही कहा जाएगा कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम ऐसी कोई शर्त नहीं मान सकते। नहीं, वो भी उसमें शामिल है, डेफिनेटली उसमें शामिल है, चूँकि एटमी असासे जो हैं वो आपका पूरे एक जो डिफेंस सिस्टम है उसके साथ जुड़े हुए हैं ना, कोई आइसोलेटेड तो नहीं है। तो IMF ये भी देखता है ना कि आपके जो डिफेंस बजट कितना है, अभी अभी आपने जो बजट पास किया है उस बजट का कितना परसेंट जो है वो आपका डिफेंस पे है, और कितना परसेंट आपका तालीम पे है, और कितना परसेंट आपका सेहत पे है, या जो आपकी दूसरी जो तरक्याती मनसूबे हैं उन पे कितना आप खर्च कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आपने एक सिक्योरिटी स्टेट बना के रखा हुआ है, तो आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और उसमें किसी तरह की तब्दीली का आपको कतन कोई इरादा नहीं। जिसका मतलब ये है कि आप IMF के पैरामीटर्स जो हैं, या इस तरह की जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनके पैरामीटर्स पे आप पूरा नहीं उतरते। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो डिफेंस पे होता है, और डिफेंस एक अनप्रोडक्टिव किस्म की एक्टिविटी है। उसके आप अपने अलग जवाब पेश कर सकते हैं कि हमें ये खतरा है, वो खतरा है, और वो खतरे भी आपने मसनूई तरीके से क्रिएट किए हुए हैं। आपने इंडिया का हवा खड़ा किया हुआ है ताकि आप इस तरह की चीज़ों पे पैसे खर्च कर सकें। सवाल ये पैदा होता है कि आपको इंडिया के साथ एक जो है वो पीसफुल नेबरली जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप, वो कायम करने में कौन रोक रहा है? और अगर वो कोई रोक रहा है तो उस पर आप बात करें, लेकिन आप जो है वो आपने एक तय किया हो कि हमारी पॉलिसी यही है कि हम एक एंटी इंडिया जो है पोस्चर इख्तियार करके और एक इस तरह की जो है वो हवा खड़ा करके तो मुल्क के अंदर जो दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम है और अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। ये जो आपने अभी अभी बजट किया है, इस बजट का नेट शेल में जो है वो तर्जमा है अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे, कि जो चंद मरात याफ्ता तबकात हैं, ख्वाह वो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, आपके डिफेंस सिस्टम के साथ जुड़े हुए मरात याफ्ता जो है वो तबकात हूँ, आपकी हुकूमत में बैठे हुए मिनिस्टर या MLAs हूँ, जस्ट एक 1% पॉपुलेशन जो आपकी है उसको जो है रंगने के लिए आपने ये सारे सिस्टम खोले हुए हैं। तो आप कहते हैं जी हमें IMF नहीं मान रहा है या हमें डिफॉल्ट होने का खतरा है, ये एक प्रॉब्लम है। तो सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी आप ये बात की आपने इंडिया का हवा खड़ा किया हुआ और ये सब, तो क्या ये अगर बात ऐसी है कि तेल वहां से होकर आया है तो ये ज्यादा अच्छा ना होता कि डायरेक्ट वहीं से मंगवा लेते हमसाया मुल्क के? तो ये हम कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो फिर आप जो आपका हिपोक्रिटिकल किस्म की पोजीशनिंग है उसका क्या होगा? ये अगर आप हिपोक्रिटिकल किस्म की पोजीशनिंग ख़त्म कर दें इंडिया के मामले में, तो सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, आपकी हज़ारों मसाइल जो हैं वो बिल्कुल मैजिकली जिसको कहते हैं ना वो रिजॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये जो इम्बेलेंस है, आपका जो ट्रेड है, आपके जो इस तरह के दीगर जो है वो मामलात हैं जो डिफेंस से जुड़े हुए जिस पे आप बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पे मजबूर हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका जवाब उसमें मौजूद है। लेकिन वो आप चूँकि करना नहीं चाहते, आपको ये ज़ाहिर इलम है कि ये आयल से पहले भी UAE के थ्रू इंडिया के साथ एक तरह की तजारत जो है वो पाकिस्तान की चल रही है, जो कि जाहिर है। अब मैंने हिपोक्रेसी जो पहले मैंने कहा कि जब आपके इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए हिपोक्रेसी, मुनाफ़कत जो है वो जब आपके सरकारी इदारों का एक बाकायदा प्रोटोकॉल बन जाए, पॉलिसी बन जाए, तो वो मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है? कि आप इंडिया से तजारत नहीं कर रहे हैं लेकिन कर भी रहे हैं, कर इस तरीके से रहे हैं कि उसका आपको सिवाय कोयलों की दलाली करने के कोई फ़ायदा नहीं है, जिसमें एक ये आयल भी शामिल है। पहली बात यह है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा साफ़ी है, ये जो इन्वेस्टिगेटिव और बड़े बड़े जोगादरी किस्म के साफ़ी हैं जो मुझे ये बताए कि पाकिस्तान के पास वो आयल रिफाइनरी है जो रशियन आयल को रिफाइन कर सकती है? किसी ने इस पे इन्वेस्टिगेशन की है? रिफाइनरी जो है वो कोई छोटे से कमरे में तो नहीं ना होती, एक बड़ी फैसिलिटी है। तो इसके लिए को बहुत बड़ा जो है वो 007 टाइप जासूस होना ज़रूरी है ये पता करना कि ये जो रूसी तेल आया और आके समुंदर में जहाज़ ठहरा और उससे फौरन बाद जो है वो टैंकरों के ज़रिए तेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, तो रिफाइन कहाँ पे हुआ? सवाल तो ये है। और क्या पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है इस तरह के तेल को रिफाइन करने की? तो ये जो आपकी पॉलिसीज़ हैं जो तजादात और झूठ और मिसरेप्रेजेंटेशन और आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली पॉलिसीज़ हैं, ये उसका नतीजा है कि आप इंडिया से डायरेक्ट तेल नहीं ले आल दो कि इंडिया के पास तेल नहीं है, तेल यही है जो इंडिया ऑलरेडी यूरोप को भी आपको पता है कि बेच रहा है रशियन तेल, चूँकि इंडिया ने बड़े पैमाने पे ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो वहाँ पर लगाई हैं। बड़ा चीप मिल जाता और लागत भी बड़ी कम आती, पहुंचने में टाइम भी कम लगता ना। जाहिर है अगर इंडिया यूरोप को बेच सकता है तो पाकिस्तान को भी बेच सकता है, उनको इस पे तो कोई वो नहीं है, लेकिन आपने तय किया हुआ है
कि हमने इस खित्ते में जो है वो अमन को मौका नहीं देना है, और जंग को और जंग बाज कुफ्तों को जो है उनकी पॉलिसीज पे अमल पैरा रहना है इसी तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया।